प्रदेश भर में दिन रात दौड़ रही खटारा 108 गाड़ियों को बदलने के लिए प्रदेश सरकार जल्द कदम उठाएगी। फिलहाल प्रदेश में दौड़ रही 198 गाड़ियों में से 56 गाड़ियों को बदल दिया गया है और बाकी बची हुई गाड़ियों को भी आगामी दिनों में बदला जाएगा। ये बात स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कही। परमार ने कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और पूरी सावधानी बरती जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश भर में दौड़ रही खटारा 108 एम्बुलेंस गाड़ियों के चलते कई बार मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और खुद ही मरीज बनकर 108 एम्बुलेंस गाड़ियों की रिपेयर तक नहीं हो पाई है। लेकिन अब सरकार के गाड़ियों के बदलने के फैसले से मरीजों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। वहीं अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और घंटों इंतजार पर स्वास्थ्य मंत्री परमार ने कहा कि अस्पतालों को मजबूत किया जा रहा है और डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को घर द्वार पर इलाज मिले और यहां वहां भटकना ना पड़े। हमीरपुर के दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के द्वारा दिए गए बयान पर हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एक ओर तो स्वास्थ्य विभाग नियमों को ताक पर रखकर बाहरी व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेजों में तैनाती दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मंत्री बयान देते नहीं थक रहे हैं कि MCI के नियमों के तहत काम हो रहा है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि संघ की लंबे समय से MCI के नियमों के तहत नियुक्तियां करने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इसे दरकिनार करती रही है। उन्होंने कहा कि MCI के नियमों को लागू करने पर प्रदेश के काबिल डॉक्टरों को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी काबिल डॉक्टर और फैकल्टी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार का कहना है कि प्रदेश के अंदर काबिल डॉक्टरों के नहीं मिलने के वजह से बाहरी राज्यों के डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि MCI के नियमों के तहत ही प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्तियां की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज चंबा, नाहन और हमीरपुर में बाहरी प्रदेशों के डॉक्टरों की तैनाती का दौर जारी है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन लंबे समय से विरोध जताते हुए संघर्ष कर रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इसके विपरीत दिए गए बयान से मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन हैरान है। पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत रविवार को हमीरपुर भाजयुमो के नेता पंकज मिन्हास के नेतृत्व में विधायक नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में भाजयुमो पदाधिकारी ने 400 फलदार पौधे हीरानगर जंगल में लगाए। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के जयराम ठाकुर ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने हमीरपुर की जनता से अपील की है कि सभी लोग 5-5 पौधे लगाएं। उन्होंने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को पर्यावरण बचाने में सहयोग करने पर बधाई दी। उपमंडल बोरस के बस्सी भरेड़ी सड़क पर नगरोटा गाजिया के पास सड़क के किनारे लगा डंगा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। यह हादसा करीब रात के 9 बजे के आसपास हुआ। डंगा गिरने से सड़क पर गुजरने वाले वाहनों के लिए भी खतरा बना हुआ है। अगर बारिश जारी रही तो पूरी की पूरी सड़क भी गिर सकती है। ये डंगा 1984 में बनाया गया था, लेकिन PWD विभाग ने यहाँ पर पानी की निकासी के लिए नालियाँ नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से सड़क का सारा पानी इस डंगे में रिसता गया।
और परिणाम यह निकला कि डंगा गिर गया। डंगा गिरने से सड़क के नीचे बना हुआ जोंडी माता का मंदिर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये मंदिर राजकुमार ने अपने पिता स्वर्गीय जगदीश चंद शर्मा की यादगार में अपनी कुल देवी जोंडी देवी के नाम पर बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण 2008 में किया गया था। लगभग 5 से 6 साल की लागत से बना यह मंदिर डंगे की चपेट में आने से पूरी तरह नष्ट हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि पानी की निकासी के लिए नालियां ना होने के कारण और पानी इस डंगे में रिसने के कारण ये डंगा गिर गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि इस डंगे का शीघ्र निर्माण किया जाए व पानी की निकासी के लिए उचित नालियां बनाई जाएं। डंगे के दूसरी तरफ पहले नालियां बनी थी, लेकिन अब ये नालियां बंद पड़ी हैं और पानी डंगे में ही रिसता जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता स्वारू राम ने बताया कि सड़क को बचाने के लिए खाली ड्रम लगाकर टेम्परेरी डंगा लगाया जा रहा है। बड़े वाहन भी सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं और बाद में पक्का डंगा लगवाया जाएगा।